आपको स्पॉइलर वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है, ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है और प्रीमियम भी। और जैसे एल्ट्रोज रेसर की आपको इसे बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, टाइम इन टाटा पंच ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और जैसे आप आई सी एन जी लोगे तो उसमें सी एन जी फीचर के साथ साथ आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिलती है। इंटीरियर में तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज हुआ हुआ है, मतलब जैसे सीट कवर वगैरह है वह भाई, यहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है। टोटल इसमें 6 एयरबैग है। इस वेरियंट में जैसे सनरूफ वगैरह इसमें देखने को मिलती है। हेलो भाइयों, कैसे आप सब? अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे टाटा की जो यहाँ पे पंच लगी हुई है आई सी एन जी, और वहाँ पे अल्ट्रोज आई सी एन जी लगी हुई है। वो जो अल्ट्रोज रेसर है वो भी यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में दोनों ही कवर करके दिखाऊंगा दरअसल ये किस टाइप की है। तो क्या क्या है इनमें मेनली जो फीचर्स वगैरह हैं वो तो जैसे मैंने आपको एग्जिस्टिंग वीडियो में दिखा रखे हैं उसी टाइप के, फिर भी आपको एक वॉक अराउंड चेकआउट करा देता हूँ मैं। देख लो जो डीरल्स वगैरह फोग लाइट वगैरह यहाँ पे वही है हेलोजन बल्ब के साथ, इसमें भी हेलोजन है। और यहाँ पे एलोई व्हील वगैरह का डिज़ाइन चेकआउट कर लो, ये भी वही है। और जो मेनली इसके इंटीरियर में चल के दिखाता हूँ आपको इंटीरियर में दरअसल क्या हुआ है। मेन है इसमें इंडियाज फर्स्ट टाइम ट्विन सिलेंडर सी एन जी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, ये भी आप देख लो। जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें दो इसमें सी एन जी सिलेंडर यूज़ किए गए हैं, ये भी आप देख लो। जैसे फूड स्पेस है वो भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है, और वो भी ये भी आप देख लो। अभी जैसे माइलेज और प्राइस यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं हुए हुए वो भी है। और जैसे इंटीरियर की बात करता हूँ तो इंटीरियर में भी आप चेकआउट करो, लेदर रैप्स यहाँ पे सीट्स वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलते, लेदर सीट्स। और आपको इसमें ना जैसे गाड़ी रेड कलर की है तो आपको इसमें रेड एलिमेंट जरूर देखने को मिल जाता है। अभी फाइनली हम इसके गाड़ी के अंदर जा रहे हैं और आप चेकआउट करो। जैसे डोर्स वगैरह यहाँ पे जैसे आपको पहले मिलते हैं उसी टाइप के हैं, और ये भी आप चेकआउट कर लो। यहाँ पे जैसे एसी वेंट्स वगैरह का डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, और स्टीयरिंग व्हील वगैरह ये भी आप चेकआउट कर लो मैट फिनिशिंग के साथ आपका। और जो इसमें यहाँ पे इंटीरियर में देखने को मिलते हैं जैसे आपको एसी के सराउंडिंग रेड कलर के एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टिव लगते हैं, और ये आप चेकआउट करो। जैसे ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है ये चीज़, और वॉल्यूम के आपके कंट्रोल्स वगैरह आर्मरेस्ट इस वेरियंट में नहीं है। और जैसे देखो फर्स्ट टाइम इन टाटा पंच ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप आई सी एन जी लोगे तो उसमें सी एन जी फीचर के साथ साथ आपको यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिलती है जो कि आपकी फुली इलेक्ट्रिकल है। अभी जैसे यहाँ पे बैटरी वगैरह का इशू होगा इसलिए नहीं ओपन हो रही, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और जैसे इसका टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, इलेक्ट्रिक वाला आपका इसमें कर दिया है जैसे सेमी डिजिटल वो वाला। और ईयर से भी आप चेकआउट कर लो गाड़ी के लुक को, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और एसी वेंट्स वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ये आप ऐसे देख लो। जैसे मिडल में आपको आर्मरेस्ट वगैरह ये सभी चीज़ें भी देखने को मिल जाती है, लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे वाइट देखने को मिलती है, और ये मिरर्स वगैरह ये भी चेकआउट कर लो। तो मेनली अभी इसमें गाड़ी में यही हुआ है, तो मैं आपको दूसरे में चल के दिखाता हूँ जैसे अल्ट्रोज वहाँ पे खड़ी उसमें दरअसल क्या है। तो टाइम के इशू की वजह से मतलब डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए आपको एक ही वीडियो में जो मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा वो भी। जैसे ये भी जिसमें देख लो आप, इसका दिखाता हूँ मैं अच्छे तरीके से। जैसे जैसे बूट का बूट स्पेस है वो भी यूज़ हो जाता है, और जो सी एन जी सिलेंडर है वो भी इसमें रखे गए हैं दो, मतलब जो हाइट होती है पहले सी एन जी सिलेंडर की इतनी होती थी उनको लुटा के यहाँ पे ऐसे कर दिया है जिससे आप बूट स्पेस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अभी देख लो मेनली जैसे यहाँ पे ब्लैक इसकी हो चुकी है रूफ, इसमें भी यहाँ पे देख लो सनरूफ आ चुकी है। आपको सी एन जी सिलेंडर प्लस सनरूफ का इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको इसमें चेकआउट कराता हूँ दरअसल क्या है। तो इस टाइप का ये पूरा 90 डिग्री इसके डोर ओपन हो जाते हैं, ये भी आप चेकआउट कर लो। इसके इंटीरियर में चल रहे हैं तो ये भी आप देख लो, जैसे ये कम्प्लीटली यहाँ पे विदाउट कप होल्डर देखने को मिलता है। और जैसे मतलब गाड़ी अंदर से ना काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लेदर रैप स्टेयरिंग के साथ, और लेदर इसके सीट कवर है, मतलब लेदर का काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है। यहाँ पे भी आपको एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाती है। टोटल इसमें 6 एयरबैग है, और सनरूफ वगैरह का लुक भी आप यहाँ पे चेकआउट कर लो। और जैसे फ्रंट की बात करता हूँ तो फ्रंट में चल के आपको बता ही दूँगा, तो उस जगह आप यहाँ पे जैसे एसी वेंट्स वगैरह 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट ये सभी चीज़ें देख लो। स्पेस वगैरह ये भी काफ़ी अच्छा है, जैसे पूरी सीट वहाँ पे पीछे हुई हुई है उसके बावजूद भी आप देख लो। तो अभी जैसे फ्रंट में चले के दिखाता हूँ फ्रंट में दरअसल गाड़ी में क्या क्या है। और 90 डिग्री के ओपनिंग तो आपको पता ही है, काफ़ी अच्छी लगती है ये भी। और इस साइड से देख लो, ये वाला ग्लोस वगैरह नहीं है, नॉर्मल है, मतलब जैसे आपकी अल्ट्रोज आती है उसी टाइप की है। यहाँ पे आप देखो जैसे फ्रंट से कैसी लग रही है दिखने में, जैसे इंटीरियर में लेदर रैप आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है प्रॉपर। और जैसे यहाँ पे सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छी है, वेंटिलेटेड का भी ऑप्शन इसमें नहीं आया है। ये आप देखो जैसे स्टीयरिंग रैप वगैरह की फिनिशिंग ये वो, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे एम्बिएंट लाइट्स वगैरह आपको पता है अल्ट्रोज में आती है, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ पे प्रीमियम भी। और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट्स, ये आर्मरेस्ट वगैरह ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे ट्विन कप होल्डर सिस्टम के साथ इको मोड भी इसमें देखने को मिल जाता है। और सनरूफ का आप इसमें लुक चेकआउट करो, मेन हाईलाइट इसमें दो ही चीज़ें हैं,
एक तो पंच में और इसमें, जैसे आपको सनरूफ को ऑप्शन देखने को ऐसे मिल जाता है, देख लो जैसे काफ़ी अच्छा ये भी सनरूफ वगैरह का, और इसमें 6 एयर बैग है। और स्पीकर्स की बात करता हूँ तो मैं आपको इसमें देख लो, इसमें स्पीकर का भी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, आपको यहाँ पे ट्विटर देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे भी, और आपके 4 स्पीकर इसमें आते ही हैं। और देख लो जैसे फ़ोन वगैरह होल्डर रखने की जगह, ये सभी चीज़ें। और ग्लव बॉक्स की बात करता हूँ तो ये तो इसमें काफ़ी बड़ा आपको पता ही मिलता ही है, और कूलिंग फंक्शंस के साथ है ये भी। ये हारमन का इसमें जो म्यूज़िक सिस्टम आता है जो कि मतलब काफ़ी लाउड है और आपको काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे म्यूज़िक एक्सपीरियंस इनहेंस करता है। यहाँ पे कोई भी मिरर वगैरह नहीं है फेस वगैरह देखने के लिए, इस साइड होगा ये वाली है। अभी देख लो जैसे उन गाड़ियों का लॉन्च वगैरह स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए यहाँ पे साउंड वगैरह आ रही है, तो अभी हम देखते हैं उन गाड़ियों की तरफ। अभी देख लो इस टाइप की है गाड़ियों वगैरह, मतलब इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट कराता हूँ, फ्रंट प्रोफाइल भी देख लो आप। देख लो गाड़ी की इस टाइप की फ्रंट प्रोफाइल है, अल्ट्रोज आई सी, इस बार कोड को स्कैन कर लेना अधिक जानकारी के लिए। अभी आप देख लो जैसे बहुत ज़्यादा लाउड बोलने के बाद भी पता नहीं किस टाइप की मतलब ऑडियो वगैरह आएगी। यहाँ पे देख लो म्यूज़िक वगैरह और ये सभी चीज़ें, ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है म्यूज़िक का। गाड़ी के यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है भी, जैसे प्रोजेक्ट आपको ऐसे प्रोजेक्टर वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन हैलोजन के साथ आप देख लो ओवरऑल इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। मेनली आपके जैसे पहले डिज़ाइन आता था उसी टाइप का है, पर आपको ये अल्ट्रोज आई सी एन जी मेन हाईलाइटेड फीचर थे सनरूफ, और आपको यहाँ पे 2 सी एन जी सिलेंडर भी देखने को मिलते हैं जिससे बूट स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छे से बन जाता है। इसी वीडियो में प्लस पॉइंट आपको दिखाते हैं ये एक ही वीडियो में तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब आप बताओ फ्रंट से भी आप चेकआउट कर लो, इस टाइप की इसमें गाड़ी देखने को मिल जाती है अल्ट्रोज रेसर के नाम से, ये वाली फ्रंट प्रोफाइल है इसकी, और जो बोनेट वगैरह उस पर स्पोर्टी लाइनिंग आपको देखने को मिल जाती है वे भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस साइड से आपको चल के दिखाता हूँ दरअसल क्या हो रहा है, ये भी आप देख लो जैसे अल्ट्रोज रेसर के आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिल जाती है, और जो व्हील्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे इसमें लग रहे हैं, प्रॉपर यहाँ पे ग्लोस वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं आपको इसी साइड प्रोफाइल में यहाँ पे चेकआउट करके दिखाता हूँ दरअसल कैसी है, ये भी आप देख लो यहाँ पे कम्प्लीटली किया गया है। अभी भाई जैसे इस गाड़ी के 15 मिनट वेट करने के बाद तभी इस गाड़ी का नंबर आया, देख लो अभी यहाँ पे जैसे ऑफिशियल कोई शूट कर रहा था उसके लिए हम जैसे छोटे क्रिएटर को मतलब उसकी परमिशन नहीं मिली, नहीं हुए जैसे ऑफिशियल टाटा से है तो ये शायद बोल रहे होंगे इस टाइप का कुछ, फिर भी मैं आपको इसका ओवरऑल वो क्राउंड चेकआउट करा देता हूँ, ये भी आप देख लो। जैसे रियर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो रियर से भी आप गाड़ी देख लो, मेनली कुछ चेंजेस नहीं है, आपको स्पॉइलर वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है, ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है प्रीमियम भी। और जैसे अल्ट्रोज रेसर की आपको इसे बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। अभी आपको इस टाइप से चले के दिखाता हूँ मैं इंटीरियर में दरअसल क्या है, भाई इंटीरियर में तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज हुआ है, मतलब जैसे सीट कवर वगैरह है लेदर है, प्रॉपरली लेदर का इसमें सीट कवर है, इसमें आप देख लो जैसे स्ट्रिप वगैरह बनी हुई आपको मिल जाती है इस टाइप से आपका ये। और मैं आपको अंदर चले के दिखाता हूँ और दरअसल कैसा है, इसमें आपको 6 एयर बैग देखने को मिल जाते हैं, और मेनली आप देख लो जैसे ब्लैकआउट यहाँ पर कम्प्लीटली इंटीरियर है, जो स्टेयरिंग कंट्रोल्स वगैरह क्रूज कंट्रोल्स वगैरह ये सभी चीज़ें, रेड यहाँ पर स्ट्रेचिंग का यूज़ किया गया, आपको प्रॉपर रेड एलिमेंट हर जगह गाड़ी में देखने को मिलता है, थोड़ा रोशनी किया जाए सनरूफ है इस वेरियंट में, जैसे सनरूफ वगैरह इसमें देखने को मिलती है, तो इसलिए आपको इसमें काफ़ी अच्छा फीचर ये भी एड ऑन गाड़ी में किया गया है। मिरर्स वगैरह यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ये आपके ऑटोमेटिक इसमें वन टच अप एंड डाउन के साथ। तो मेनली आपको मैंने इंटीरियर गाड़ी का चेकआउट करा दिया, मेनली जो हाईलाइटेड फीचर्स थे इसमें वो ये रेड कलर का एलिमेंट था, रूफ जो इसके कम्प्लीटली ब्लैकआउट है, 6 एयर बैग आपको इसमें फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहीं तक वीडियो को हम एंड करते हुए, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो में काफ़ी एनर्जी भी लगी हुई है और म्यूज़िक वगैरह का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो मैंने आपको जिस मतलब तरीके से हो सकता था भीड़ को नज़र रखते हुए ये सभी चीज़ें मैंने आपको वीडियो शूट कर ली है। तो मेनली मैंने आपको 3 गाड़ियाँ इस वीडियो में दिखाई है, अल्ट्रोज टाटा पंच और आपकी अल्ट्रोज रेसर। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं जैसे होंडाई की तरफ, होंडाई में जाकर देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ आई हुई है, तो आप चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लें या फिर आप समझ जाओ आप आगे।